हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इकोनॉमिकल टाइम की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटी नेटवर्क शेयर की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है इकोनॉमिकल टाइम की आई है उसकी भी बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर, तो सबसे पहले आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम स्लाइड पे आ चुके हैं। दी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। सिटी नेटवर्क डिस्क्लोज्ड बाय लिस्टेड एंटिटीज ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट फॉर लोन एंड इंक्लूडिंग आगे भी है। एंड फुल न्यूज़ यदि मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ, तो इन्होंने यहाँ पर पेमेंट, जो इनको पेमेंट देना था वो इन्होंने यहाँ पर डिफॉल्ट किया हुआ है। एंड जो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो पेमेंट इनका बना हुआ था, बैंक को इन्हें देना था। एंड जो फुल न्यूज़ यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिस्क्लोज बाई लिस्टेड एंटिटीज ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, पेमेंट में डिफॉल्ट है, ऑफ इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग रिवॉल्विंग फैसिलिटीज लाइक कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने अपनी जो पेमेंट यहाँ पर लोन के रूप में इन्हें देनी थी, वो इन्हें यहाँ पर डिफॉल्ट की है। तो इसका इन्हें थोड़ी बहुत हर्जाना ज़रूर इन्हें देना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। ऑफकोर्स जो फर्स्ट स्लाइड वाली न्यूज़ थी वो थोड़ी नेगेटिविटी न्यूज़ जरूर थी, बट अभी हम बात करेंगे इसके लेटेस्ट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए। दी सिटी नेटवर्क का लेटेस्ट प्राइस देखें, लास्ट ट्रेडिंग डे पे तो यहाँ पर 2.90 रुपये निकल के सामने आया है। अपर सर्किट में सुबह से ही लग गया था एंड पूरे दिन भर यहाँ पर अपर सर्किट में जाने को आपको दिखा है पूरा दिन भर। एंड यदि बात करें लेटेस्ट वॉल्यूम एंड डिलीवरी की, तो वॉल्यूम यदि देखें तो पिछले कुछ 1 वीक के एवरेज से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है लास्ट ट्रेडिंग डे पे। अभी कल की बात हो रही है, कल के दिन मार्केट बंद हुआ था फ्राइडे के दिन। अब देख पा रहे होंगे 30 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम फ्राइडे के दिन निकल के आया है। ये बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर सामने जनरेट हुआ है, बहुत बड़ी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ इस शेयर के लिए यहाँ पे बन के जरूर आ रही है। उसके पहले की यदि वॉल्यूमों की बात करें तो 13 लाख का वॉल्यूम, 22 लाख का वॉल्यूम देने यदि यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर इस शेयर में यहाँ पे आपको बनने को देखने को मिला है। यदि शेयर के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, तो शेयर का प्राइस परफॉर्मेंस यदि चेक करते हैं तो 1 ईयर में आपको बहुत बेहतरीन एकदम यहाँ पर जिसे बोल सकते हैं रॉकेट रिटर्न, 250% के अराउंड के पॉजिटिव रिटर्न आपको ये शेयर रॉकेट रिटर्न बना के दे चुका है। और यदि बात करें 1 वीक के रिटर्न की, तो 1 वीक में भी आपको यहाँ पे 7.41% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ चल रहा है। एंड 1 मंथ की बात करें तो थोड़ी नेगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ में पॉजिटिव 20%। एंड जिसने यदि 1 जनवरी से इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न में है, 37% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं है, बट 1 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न है। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अधिकतर है वो यहाँ पर पब्लिक के पास है, 84% से अब माल यहाँ पर पब्लिक के पास है। एंड यदि DIIs की बात करें तो DIIs के पास यहाँ पर अभी यहाँ पे स्टेक समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे FIIs के पास एक बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे 9% के ऊपर, यहाँ पे FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 9% से ऊपर का स्टेक बना हुआ है। एंड यहाँ पे प्रमोटर बहुत ही कम है, 6.1% के अराउंड यहाँ पे प्रमोटर सामने निकल के आता है। एंड यदि बात करें बैंक एंड इंस्टीट्यूशन की, तो 0.02% बैंक एंड इंस्टीट्यूशन निकल के आते हैं। एंड यदि हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की, तो प्रमोटर ने लगातार यहाँ पे एक क्वार्टर, ये दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 में अपनी होल्डिंग कम जरूर की है। जो इनकी 7.31% होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में, वो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 6.1% बची है। बट उसके साथ साथ यदि आप एक और चीज़ देखें जो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, कि इनकी जो प्लेजिंग थी, इनने प्लेजिंग की हुई थी, शेयर को गिरवी रखा हुआ था, उसके एवज में कुछ पैसा हुआ उठाया हुआ था, वो अभी प्लेजिंग यहाँ पे ख़त्म होने को दिखी है, पूरी डिनाई कर सकते हैं। तो ये कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ इस शेयर के लिए यहाँ पे बन के आती है। यदि FIIs की बात करें, तो FIIs ने लगातार अपना स्टेक यहाँ पे कम किया है। यदि बात करें दिसंबर 2020 की, 2020 में इनका स्टेक यहाँ पे 12.52% था। ओके, देन फिर उसके बाद बात करें तो कॉन्स्टेंट ही है,
देन फिर जून 2021 में बात करें तो इन्होंने अपना स्टेक यहाँ पर 0.20% यहाँ पर माइनस किया था, एंड यदि देखें तो 12.31% सामने निकल गया था। सितंबर में अगेन इन्होंने कम किया, एंड फिर उसके बाद दिसंबर इस क्वार्टर में तो काफ़ी ज़्यादा कम किया। तो FIIs लगातार अपना माल इसमें बेच रहे हैं, स्टेक अपना हटा रहे हैं। एंड यदि बात करें अभी हम DIIs की, तो DIIs यहाँ पर पूरी तरह से निकल चुके हैं। दिसंबर 2020 में DIIs के पास यहाँ पर 3.93% स्टेक था, देन फिर यदि अभी देखें दिसंबर 2021 में तो यहाँ पर DIIs 0% है, पूरी तरह से बाहर निकलने में यहाँ पर निकल चुके हैं। और यदि हम यहाँ पर पब्लिक की बात कर ले तो बकाया जो माल है यहाँ पर पब्लिक को एडजस्टमेंट होने को दिखा है। एंड यदि बात करें तो लॉन्ग टर्म में पब्लिक ने अपना माल यहाँ पर बढ़ाया, 76% होल्डिंग थी, देन फिर यदि देखें तो 81% होल्डिंग, 81.58% होल्डिंग उसके बाद लगातार बढ़ती गई है। एंड 84% के अराउंड इस समय लेटेस्ट क्वार्टर में इनकी होल्डिंग यहाँ पर आपको पहुँचने को दिख रही होगी। एंड यदि बात करें अदर्स में बैंक एज इंस्टीट्यूशन की, तो बैंक एज इंस्टीट्यूशन के पास भी 0.02% की एक ठीक ठाक होल्डिंग यहाँ पर सामने निकल के आती है। और अभी हम चलते हैं यहाँ पर सिटी नेटवर्क के फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स के ऊपर, जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर 2021 के, एंड उसकी कंपेयर हम करेंगे सितंबर 2021 से। तो आप देख सकते हैं दोनों रिजल्ट्स यहाँ पर सामने नोट आउट है। यदि सेल्स की बात करें तो सेल्स कंपनी की यहाँ पर 3 करोड़ की बढ़ने को जरूर देखी है लास्ट क्वार्टर में। यदि सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इनकी जो सेल्स थी 362 करोड़ थी, देन फिर यदि बात करें दिसंबर 2021 में इसी लेटेस्ट क्वार्टर में 3 करोड़ की वहाँ से वृद्धि जरूर सामने निकल गया थी। अदर इनकम में कमी है, अदर इनकम में जो कमी है वो 4 करोड़ की है। तो टोटल यदि इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में लास्ट क्वार्टर की ज़्यादा थी, इस क्वार्टर की टोटल इनकम कम निकल के आ रही है। बट अभी हम ये नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट की, तो कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। यदि नेट प्रॉफिट को हम यहाँ नोट आउट कर लेते हैं, तो यदि मैं आपको लास्ट क्वार्टर का बताऊँ तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो नहीं था, लॉस था, 63 करोड़ का लॉस था। देन यदि इस क्वार्टर की बात करें तो वो लॉस यहाँ पर 63 से 61 का होने को दिखा है। बस यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 60 करोड़ के अराउंड का लॉस इस कंपनी को यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पर शेयर कैपिटल देखेंगे तो कांस्टेंट ही है शेयर कैपिटल के बाद। यहाँ पे रेवेन्यू एंड सरप्लस देखेंगे तो माइनस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 2021 में। एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ इनकी थोड़ी कम होने को दिखी है, जो थोड़ी यहाँ पर पॉजिटिविटी ज़रूर है, क्योंकि ये होती हैं देनदारियाँ। तो देनदारियाँ जब भी कोई कंपनी की कम होती हैं, आप देख सकते हैं कम होने को दिखी हैं, तो वो थोड़ी एक यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ सामने ज़रूर निकल के आती है। एंड अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो अदर लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी कम है, जो बहुत बड़ा है इस कंपनी के लिए, यहाँ पर ज़रूर पॉजिटिव साइन दे रहा है। एंड यदि बात करें फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट इनके कम हुए हैं, यहाँ पर थोड़ी सा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद करंट एसेट भी यहाँ पर कम होने को दिखे हैं, एंड अदर एसेट भी, तीनों एसेट यहाँ पर कम होने को दिखे हैं। तो तीनों एसेट्स की यहाँ पर थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, देन फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और देख पाएंगे, कुछ अच्छा इसमें देख पाएंगे। यदि EPS की बात करें तो 2.75 का इस समय EPS नेगेटिव में चल रहा है, उसके पहले लास्ट ईयर में यहाँ पर 2.17 का नेगेटिव में चल रहा था। फेस वैल्यू 1 की होने वाली है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ कम्युनिकेशन सर्विसेज में बढ़ करती है। 5G सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग मोड सेक्टर है, यदि 5G यहाँ पर लॉन्च होने को दिखता है तो इन सभी शेयरों में एक तेज़ी आ सकती है। इसी संभावनाओं को लेते हुए इन सभी शेयरों में जो निवेशक हैं निवेश की सलाह दे रहे हैं, एंड एक्सपर्ट निवेश की सलाह दे रहे हैं। बकाया आप चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हो सके तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा।